हरिओम श्री राम अम्बन्ना। मेरा नाम सुबोध मैठानी है। मैं वानरी हिंदी भाषी ब्रांच से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को आज से 4 साल पहले स्पैन का प्रॉब्लम हो गया था। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा था। इस तरह से हुआ कि मैं 10 कदम चलने के बाद भी मुझे बैठना पड़ता था। मैं कंटिन्यू 10 या 12 कदम नहीं चल पाता था एक बार में। तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में ही जॉब करता हूँ, तो मेरे पास डॉक्टर के पास जाना बहुत सिंपल सी बात थी। डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास भी मुझे हॉस्पिटल के थ्रू जो पुणे के सबसे फेमस डॉक्टर हैं, अभी मैं नाम नहीं बता पाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बट उनके पास भेजा गया। तो जब डॉक्टर ने मेरा चेक किया, मेरा MRI निकाला, तो उन्होंने बोला कि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मेरा MRI में मैं एक और बताना चाहता हूँ कि जो स्पैन की प्रॉब्लम होती है, ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं होती है। मैकेनिकल प्रॉब्लम ये होती है कि हड्डी के बीच का जो पोर्शंस है वो बाहर निकल जाता है और वो एक सेमी सॉलिड होता है। जो एक बार बाहर निकल गया, उसका अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें सर्जरी करना है और तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है, तो तुम जितना जल्दी सर्जरी करोगे तुमको आराम मिलेगा और वही एक ऑप्शन है, तुम्हारा और है नहीं। और डॉक्टर ने बोला है, फिर मैंने अपने जान पहचान या परिचितों से बात किया तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि जो स्पैन की सर्जरी है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें रिस्क फैक्टर भी रहता है। तो मैं यही कंफ्यूज था कि ये सर्जरी करना है या नहीं करना है। यदि नहीं करना है तो मेरी जो डेली एक्टिविटी थी वो भी मुश्किल हो गई थी, और करना है तो इसका जो रिस्क फैक्टर है उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मैं उससे पहले ही बापू से जुड़ गया था। तो फिर जैसे सब लोग हम लोग बोलते हैं कि बापू के पास के अभी आप ही सहारा हो, आप ही कुछ कर सकते हो, तो ये मैं बोलता रहता था, हर उपासना में बात भी करता था। तो एक बार मेरे को सब लोगों ने बोला कि आप जाके आओ दादा से मिलके, बापू के यहाँ धाम पे जाके, बॉम्बे में जाके आओ। तो हमने प्लान बनाया बॉम्बे जाने का। यहाँ से ट्रेन से गए, वहाँ पे गए हम लोग, तो दादा नहीं मिल पाए किसी कारण से, वहाँ पे नहीं मिल पाए। तो जो उनके साथ के लोग हैं वो मिले हैं, डॉक्टर के पास वहाँ पे दिखाया। और तो जब मैं वापस आ रहा था, मेरा उससे पहले का ये था कि मैं 10 कदम 15 कदम के बाद एक मिनट बैठता था। वापस आने में हमारा रिक्शा नहीं मिल पाया, तो हम लोग पैदल स्टेशन के लिए, जैसे आप लोगों को पता है कि 8 से 10 मिनट लगते हैं, तो हम लोग चलने लगे। तो अचानक से क्या हुआ कि जो मैं 10 कदम नहीं चल पाता था उस दिन, मैं 15 कदम 20 कदम के बाद गया, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी कुछ दर्द थोड़ा नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। तो मैं थोड़ा और गया। तो मुझे जैसे ही स्टेशन तक गया कि मैं पहली बार 3-4 महीने में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जो 15 कदम नहीं चल पाता था, आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर एक ही बार में चला गया। और मुझे लगा कि ये हो क्या गया, मैंने कोई दवाई नहीं ली या कोई वो नहीं किया, खाली वहाँ पे मिला और जो मिलके अंदर से बात हुई, हमारी जो मन से मन में बात हुई, उसका प्रभाव भी मुझे समझ में आ गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आया, मुझे लगा कि, और मेरा एक्सरसाइज भी चल रहा था, तो मैं फिर भी ये था कि मेरा एक्सरसाइज का होगा या फिर सब चीज़ मिक्स होगा, कि चलो थोड़ा सा तो आराम मिला मुझे, 5 या 10%। फिर मैंने यहाँ पे भी आके कोई दवाई वगैरह नहीं ली, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये कोई दवाई का इसका असर नहीं होता है, इसका एक सर्जरी ही एक उपाय है, और एक्सरसाइज से आप कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, जो आपका पेन है वगैरह उसको कम कर सकते हो। तो बाद में फिर मैं यहाँ पे भी आया, यहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया। मेरा एक चीज़ तो है कि जहाँ पे मैं पहले 10-15 स्टेप्स चल सकता था, अभी मैं 1 किलोमीटर तक चलने लग गया था। मेरा खाली एक्सरसाइज था, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको एक दिन में 3 बार एक्सरसाइज करना। ये क्रम चलता रहा। 1 साल के बाद डॉक्टर के पास गया मैं अपना जस्ट वापस दिखाने के लिए। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने MRI सजेस्ट किया। एक और चीज़ है, डॉक्टर ने जब मेरा MRI देखा तो उनको ये सरप्राइज हुआ कि जो मेरा MRI में पहले पोजिशनिंग थी वो पर्टिकुलर जगह की, और जो हड्डी खिसकी हुई थी वो जो गैप था वो कम हो गया। और मेरे पास दोनों MRI अभी भी रखी हुई हैं, और वो MRI में आप भी देख सकते हैं कि जो गैपिंग दिख रही थी वो गैप कम हो गया। डॉक्टर ने बोला ये तो जनरली नहीं होता है, क्योंकि पहली बात तो आपसे सर्जरी नहीं कराई, और दवाई यदि आपने ली भी है तो दवाई इस पर असर नहीं करती है। ये जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, जो हड्डी आगे पीछे है, वो बढ़ती है। यदि आप ज़्यादा काम करोगे तो और अंदर खिसकती है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपका ये इम्प्रूव हुआ है, और इम्प्रूव 2-5% नहीं, कम से कम 40-50% का इम्प्रूव हुआ है, जो मैं फिजिकली तो महसूस कर ही रहा था। अभी आपको वो डॉक्टर के रिपोर्ट्स में भी दिखने लग गया। तो वो जब उनको दिखा तो उन्होंने बोला ये, बट मैंने डॉक्टर से ये सब बात नहीं किया कि ये किस वजह से हुआ। उन्होंने पूछा क्या क्या आपकी एक्टिविटी है, मैंने सब रोटेशन बताया उनको कि
मैं एक्टिविटी करता हूँ और ये, तो मुझे तभी बोला था कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे जो मैं फॉलो कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि अब आप थोड़ा सा वो खुल लो क्योंकि आपका ये हो गया है और क्यों हो रहा है ये तो हमको भी पता नहीं है, बट ठीक है। तो वो तो अभी भी इसको साइंस मान रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि साइंस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व और जिसका कि मुझे हुआ है। तो और आज मेरे को ये जो मैं बोल रहा हूँ पहले दिन से ऑलमोस्ट 3 से 4 साल होने को है, जो मेरा पहला 1 महीने का जो मेरा शरीर का स्थिति थी, जो मेरा चलने फिरने का था, उसके कंपेयर में आज मेरा काफ़ी मैं बोल सकता हूँ कि 70-80% हो गया है। तभी मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको 1 दिन में 3 बार एक्सरसाइज करनी है, अभी वही डॉक्टर ने मुझे 3 दिन में 1 बार एक्सरसाइज करने के लिए बोली है, मतलब हफ्ते में मैं 2 बार एक्सरसाइज करके इतना फिट हूँ कि मैं अपनी डेली एक्टिविटी कर सकता हूँ, 2 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ। और जबकि यही चीज़ें मेरे को 15 या 20 स्टेप्स के बाद बैठना पड़ता था, बहुत मुश्किल था मुझे चलना फिरना या कुछ भी एक्टिविटी करना, इवन सोने में भी या फिर एक जगह में 10 मिनट से बैठना। अभी मेरा जो जॉब है मेरे को कम से कम 1 दिन में 6 से 8 घंटा 1 सिटिंग बैठना पड़ता है, वो भी मेरा हो रहा है, चलना फिरना भी ठीक ठाक है। हाँ 100% नहीं है, बट जितना कंडीशन मेरा शुरू में था वो हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि 70-80% इम्प्रूवमेंट है। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें जो विश्वास और हमारा दिल्ली का कार्यक्रम है जो बापू से जुड़ाव है उसमें कहीं ना कहीं इसकी भागीदारी जरूर है। बस इतना ही मुझे अपना अनुभव करना था। हरिओम नाथ सन।